नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अहमद। तौसीफ ईडू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करना होता है तो मार्केट से जाकर हम ओएमआर शीट खरीद कर लाते हैं और तब जाकर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप खुद से डिज़ाइन करें और अपने दोस्तों को भी प्रैक्टिस करने के लिए दें और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से ओएमआर शीट डिज़ाइन करना सिखाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप भी बहुत ही आसानी से एक खूबसूरत सा ओएमआर शीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओएमआर शीट बनाने के लिए अब हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर। हमें यहाँ कुछ कॉलम को सेटिंग करना होगा। पहले A4 साइज़ के हिसाब से जो है पेज का सेटअप करना होगा। तो हमें कितने कॉलम, हमें 15 कॉलम का ज़रूरत पड़ेगा। हम तीन कॉलम में, तीन सेक्शन में ओएमआर शीट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 15 कॉलम का ज़रूरत है। तो पहले कॉलम को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हेडिंग से सेलेक्ट करेंगे 15 कॉलम, ओ तक पूरा हो जाता है। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा कम करेंगे, इसके विड्थ को कम कर लेंगे। उसके बाद A4 साइज़ में हमें बनाना है तो A4 साइज़ पेज को सेट करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, व्यू टैब में आएंगे, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से जो है हम और भी देख लेंगे कि कितना ओ तक आना चाहिए। अभी एल तक ही आ रहा है तो फिर से सेलेक्ट करना होगा सारे को। सेलेक्ट करने के बाद इसे हल्का सा कम कर लेंगे। अभी ठीक है, एन तक ही आया है, इसे ओ तक लाना है। हल्का सा और कम कर लेंगे। और यहाँ से थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए। अब ठीक है, पूरा A4 साइज़ में पूरे पेज के हिसाब से सेट हो गया हमारा कॉलम। तो हमें सबसे पहले हेडिंग डालना होगा। तो पहले हम OMR शीट हेडिंग डाल लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं। जैसे इसको पूरे रो को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से साइज़ बढ़ा लीजिए इसका, और उसके बाद बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो है हम टाइप करेंगे 1-2 टाइप करेंगे और इसे सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, जो A4 पेज पे जितना नंबर आएगा यहाँ तक। तो हमारा 44 तक आ गया है। अब हम चार ऑप्शन यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, A, B, C एंड D। 44 के बाद यहाँ से 45 से स्टार्ट करेंगे, 45 एंड 46, और इसे भी सेलेक्ट करके नीचे तक जहाँ तक नंबर जाएगा वहाँ तक ड्रैग कर लेना है। यहाँ तक 88 आ गया है। इन चारों ऑप्शन को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से 89 से स्टार्ट करेंगे, 89 90, ठीक है। उसके बाद इसे भी सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमें रखना है। जैसे हमें 130 तक रखना है तो इन दोनों ऑप्शन को, इन दोनों नंबर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसी ऑप्शन को कॉपी, इन चारों ऑप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद पूरे पेज को सेलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट और मिडिल अलाइन कर देंगे। अब हम यहां से क्या करेंगे कि इसी को कॉपी करा के, हमें इसी को कॉपी करना है। तो पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे यहां तक नीचे तक, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे कॉलम में भी सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। दोस्तों, अब इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक कर लेने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि अब इसको जो है ओएमआर शीट की तरह गोल गोल घेरे की तरह ऑप्शन में डालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पूरे रेंज को, पूरे जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फॉन्ट आता है ओएमआर का, ओएमआर फॉन्ट आता है, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा तभी जाके इस तरह से आप ऑप्शन बना सकते हैं। इसमें जैसे इंटर करेंगे, देखिए इस तरह से ये ऑप्शंस जो है गोल घेरे में सारा ऑप्शन चला जाएगा। अब इसे भी बाकी सारे को भी कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से OMR टाइप करके एंटर कर देंगे, इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर OMR ऑप्शन जो है OMR फॉन्ट उसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इस नंबर जो है, जितना भी नंबर है इसे थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। कितना देख लेते हैं, 11 साइज़, ठीक है। बाकी सारे को भी 11 साइज़ में कर लेते हैं।
यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसका कलर चेंज करना है, तो हमें सबको पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर दे देंगे, पूरे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर से जो है हम व्यू टैब में आने के बाद रूलर बार जो एक्टिवेट है, रूलर नहीं ग्रिड लाइन को हटा देंगे, तो फिर हमारा ब्लैंक पेज जैसा सादा पेज होता है ब्लैंक पेज वैसा दिखने लगेगा। और इस तरह से जो है हम OMR शीट एकदम बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा OMR शीट बना सकते हैं, खुद के प्रैक्टिस के लिए अपने दोस्तों को ज़रूरत हो तो उसे भी दे सकते हैं। दोस्तों हम ये OMR का फॉन्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। और पूरा टाइप करने के बाद यहाँ से जिस तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप OMR फॉन्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन इस तरह से आपका ऑप्शंस आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।